खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से हमने, ये जमीन पर बन दश्तो दरिया हो धरती, हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी, हर घड़ी तैयार का प्राण है हम, जैसे हो हालात का मान है हम, हर घड़ी तैयार का प्राण है हम, जैसे हो हालात का मान है हम, we'll be right back.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي صدق الله العظيم. Hello. आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह वाजी से लाइव कॉल पर बात करने के लिए अभी अस्सलाम क्या हाल है आपके ठीक है अल्लाह कर राम जी जी हुक्म करें सर मैंने तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आपने जो एग्जाम का ये लाइव कॉल वाला बहुत जबरदस्त तरह से है मैं महसूस हो रहा है कि आप अपने टाइम भी गए तो मेहरबानी आपकी बड़ी मेहरबानी सवाल पूछें जो भी पूछें सवाल ये कि ये खानदान के जो बच्चे हैं और स्पेशली मैं मेरा सवाल का मतलब जो दौरान सब लोग फोत हो जाते हैं वफात पा जाते हैं ना तो सर उसके लिए आपने क्या इकदाम उठाए और क्या उनके लिए कर रहे हैं उनको नौकरियां मिल रही है उनके घर का जो वो है वो चल रहा है सर बड़ी मेहरबानी आपकी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मैं आपको बताऊं कि जब से हम यहाँ पे आए हैं पहले कोई सन कोटा भी नहीं थी और इसकी डिजीज़ कोटा भी नहीं थी तो अभी हमने हाई कोर्ट के हुक्म थे कि आप इनको नौकरियां दें लेकिन कंटेप्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी लेकिन हमने आने के बाद डिजीज़ कोटा जितनी थी हर शहीद का जो बच्चा है उसको नौकरी दी गई और दूसरा जो डिजीज़ कोटा का मकसद ये होता है कि जो पुलिस वाला इसमें सर्विस के दौरान किसी की नेचुरल डेथ भी हो जाए तो उसके बेटी या बेटे को नौकरी मिलती है परसों ही मैंने 42 बंदों की मतलब 42 बंदों की जूनियर क्लर्कों की आर्डर्स इशू किए हैं पहले भी किए हुए हैं मुझे मेरे पास अभी फिगर्स नहीं है लेकिन ये जो लोग जितने भी थे उनको हमने वैकेंसियों के अवेलेबिलिटी या वैकेंसी ज़रूरी होती है जितनी भी हमारी वैकेंसियाँ थी हमारे पास उन सारों को हमने नौकरी पर लगा दिया है वो जूनियर क्लर्क भी हैं पुलिस के पुलिस कांस्टेबल भी हैं और हमने ये दो SOPs इशू किए हैं स्टैंडिंग प्रोसीजर्स वो यही थे जो कि जितने भी शुदा हैं उनके बच्चों को नौकरी दी जाए और जितने भी डिजीज्ड हैं जो ड्यूरिंग सर्विस जिसकी डेथ हो गई है तो उनको दी जाए मैं तो अभी जो मुझे मैंने याद है कि परसों मैंने डे बिफोर यस्टरडे 42 आदमियों की हमने जूनियर क्लर्कों की पोस्टें जो हैं वो उनको नौकरी दी है बाकी पहले भी थी मेरे ख्याल में पिछले साल शायद 550 आदमियों को डिजीज कोटा में नौकरी दी गई है तो ये हमारे लिए बड़ी एक फख्र की बात है क्योंकि पुलिस के जो वेलफेयर का जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती तो हमारी कोशिश यही है कि पुलिस की जितनी केपी पुलिस ने शहादतें दी हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस के वेलफेयर का ख्याल रखा जाए तो मेरे ख्याल में हम अभी भी और भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कोई भी इंशाल्लाह बच्चा या बच्ची किसी शहीद की या जिसकी डेथ हो गई है सर्विस में वो नहीं रहेगी बगैर नौकरी के इंशाल्लाह आप भी दुआ करें हमारे लिए बड़ी मेहरबानी थैंक यू
آئی جی پی خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ واسی سے لائف کال پر بات کرنے کے لیے ابھی ڈائل کریں 0919 2. ہیلو ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے ریگارڈنگ صاحب بات کرنا چاہتی ہے. ہیلو ڈسٹرکٹ نوشہرہ سے ریگارڈنگ صاحب بات کرنا چاہتی ہے. جی 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 بات کریں. ہیلو السلام علیکم. السلام, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل سر جی, ٹھیک ہے. آپ حکم کریں, بتائیں. جی جی میں بول رہا ہوں, آئی جی بول رہا ہوں. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ایف آئی آر کا کیا نمبر ہے؟ ایف آئی آر کا نمبر ہے 398. اور پولیس اسٹیشن کون سی ہے؟ ٹاؤن. ٹھیک ہے, نہیں اس کا کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, چیک کرتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ انفارم بھی کریں گے کہ کیا بنا اس کا. یہ آپ کے خلاف ہے, اس میں کمپلیننٹ ہے یا جواب دار ہیں آپ؟ حکم کریں بالکل بتاؤ. میڈیکل رپورٹ پہ کیا تھا میرے خلاف. ٹھیک ہے, کیا تھا تو پھر میں نے وہ خارج ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر میں نے سر درخواست دیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بڑی مہربانی. میں انشاءاللہ کل تک آپ کو پتا چل جائے گا, میں ویریفائی کروا رہا ہوں یہ جو آپ بات کر رہے ہو. انشاءاللہ شام کو یا کل تک آپ کو پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ بڑی مہربانی آپ کی. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. یہ لکھتے جانا, یہ جو ہلو جی جی ہلو السلام, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی آئی جی بول رہا ہوں, آئی جی بول رہا ہوں. مجھے جی جی میری دونوں دیوروں نے دکان آپ پر کب تک کیا ہوئے, مجھے گھر سے نکالا گیا ہے. میں نے اپلیکیشن بھی آپ کو دی تھی تھانہ سٹی کو, ہاتھ کے تھانہ سٹی میں مجھے 3 دفعہ بلایا گیا ہے. انہی کے سامنے ان لوگوں نے میری بےزتی کی ہے کہ آپ کے کیسز جو ہیں وہ 10 سال تک چلتے رہیں گے. پلیز آپ لوگ میری مدد کریں, مجھے وہاں سے کوئی انکم نہیں آ رہی, مجھے گھر سے بھی نکالا گیا ہے, میں ابو کے گھر میں رہ رہی ہوں. نہیں نہیں میں ابھی کرتا ہوں, آپ نمبر شمبر آپ کا نوٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ شام کو یا کل تک انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ ہو فلی ہم مطلب عورتوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں. انشاءاللہ وی ول لک آفٹر یو پیپل انشاءاللہ. تھینک یو, تھینک یو, بڑی مہربانی. تھینک یو, السلام علیکم.
हेलो डिस्ट्रिक्ट डाक से जगत बात करना चाहता हूँ। हेलो अस्सलाम, क्या हाल है लियाकत साहब? ठीक हैं? अल्लाह का राम दुआ दुआ बिल्कुल ठीक ठाक। जी 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 ना, बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोगों को क्या मिला है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक तो अभी जो कुछ मिल रहा है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आइंदा जो मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। आपको सबसे बड़ा अवाम को ये हक मिला है कि आप पाकिस्तान के इक्वल शहरी हैं, आपको बुनियादी हुकूक मिले हैं। बुनियादी हुकूक का मकसद यही है कि मैं या कोई और बंदा या फंक्शनरी कोई भी काम नहीं कर रहा तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आपका हक है कि काम करवाओ इसी बंदे से या उसी बंदे से, ये बहुत बड़ा हक है और आईन ने आपका हक मंजूर किया हुआ है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि पुलिस उधर चली गई है, पुलिस एब्जॉर्प्शन हो गई है 19,000 की, और दूसरा ये जो अदलिया भी उधर आ गई है, तो जो पहले मजालिम होते थे या पहले जो वीकनेसेस थी ना वो अभी आपको ये हक दिया गया है हर बंदे को। ये नहीं है कि बड़ा आदमी छोटा आदमी, बड़े के कोई और हुकूक होंगे छोटे के कोई और हुकूक होंगे। छोटा या बड़ा आदमी जाकर कोर्ट में पुलिस अफसर को ये बात बता सकता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो और दूसरा यही है कि जितनी भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे चली गई है। और तो ये सबसे बड़ा जो मैं वैसे लोगों को यही बताता रहता हूँ कि ये मुस्तकबिल का ये मर्जर है और बुनियादी हुकूक लोगों को दिए गए हैं और बुनियादी हुकूक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये एक नई आज़ादी होती है आदमी को और ये आप लोग जितने भी हो यंगर जनरेशन आपके लिए ये मर्जर और आप ही इसको आगे लेकर चलोगे, क्योंकि बुनियादी हुकूक आपको पता है जो कुछ माजी में हो चुका, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन अभी बुनियादी हुकूक बहाल हो गए। कितने हुए हैं कितने नहीं हुए, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इस पर तो डिबेट है डिस्कशन हो सकता है, लेकिन आपका हक हुक्मरानी तस्लीम किया गया है, सबसे बड़ी बात यही है। तो इंशाल्लाह आपके एडवाइस से, आप लोगों के कुर्बानियों की वजह से हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे पास दूसरे भी लोग हैं लाइन में इसलिए मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकता, तो इतना ही मेरे लिए आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके बुनियादी हुकूक बहाल हुए हैं और आप लोगों को मतलब अपने हुकूक के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट के फोरम को या आईन के फोरम को आप इस्तेमाल कर सकते तो जो माजी में नहीं था। और बाकी इसके लिए तो बहुत सी चीज़ें आगे होनी हैं, ट्रांजिशन अभी चल रही है और इंशाल्लाह ये ट्रांजिशन अच्छी होगी। हमारी तो यही कोशिश है कि आप पिशावर लाहौर कराची जैसे बने और आपके जितने भी फाटा के लोग हैं तकरीबन वो मर्ज अभी हो रहा है। जैसे देखो साउथ वजीरिस्तान का एक ऐसे शो जो है वो लाकर आकर टांग में और डेरा इस्माइल खान में लगाए। असल मर्जर ये है कि फाटा के इलाकों के लोग सेटल्ड एरियाज में बाय ट्रांसफर काम कर रहे हैं और यहाँ के लोग उधर काम करेंगे, तो असल मर्जर उसी टाइम होगा। हमने शुरुआत कर दी है, बाकी इसमें टाइम लगेगा इंशाल्लाह और आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे और ये टाइम बताएगा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अच्छा होगा। मेरी सबमिशन यही है, बड़ी मेहरबानी ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो अस्सलाम अदनान, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र ठीक है, अल्लाह का राम अल्लाह का राम। सर मैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया में इस्तेमाई का किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं वैसे टेबल लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया में किरदार अदा करता हूँ। मैं तो चैलेंज सर,
बड़ी मेहरबानी भाई। सवाल पूछे, सवाल पूछे। जी बताएं 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 सर। दूसरी मेरी सजेशन ये है कि सर आप जो ऑब्जर्वेशन मीडिया का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा सर कैपेसिटी की पुलिस का वो थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है सर। शौजाद की जो गलती होती है सर उसको उजागर नहीं किया जा रहा है। अगर पप्पू पास पुलिस की पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी कुर्बानी है, जैसे कि मुझे अभी भी मेरे पास एक मैसेज मौजूद है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड भी कर दूंगा। जो बीएसपी शहीद का बेटा है सर, 4 साल हो गए हैं उसके वाले साहब जो बच्ची को पूरी पुलिस अफसर नहीं किया। आजकल हम देख रहे हैं सिर्फ एक डीपीओ या सर अफरीदी है जो हम कहते हैं पिशावर ऑपरेशन है, वो भी सिर्फ सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, वो सो जाके घर जाते हैं और किसी की अफसर की जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरी सर आपसे गुजारिश है कि एक कमेटी बनाए कि शोजा के घरों को उनके बच्चियों पर जाया करे सर। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। इंशाल्लाह हम बनाएंगे कमेटी और ये मैंने नोट कर लिया है। दूसरा वो जहाँ कंप्लेंट का आपने बताया, 2 साल से तो मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, मैं 1 साल से हूँ तो मैं अभी इसको भी देख रहा हूँ। दूसरा ये जो सोशल मीडिया वाला आपने बताया ना मुझे, उसमें ये हाँ हमारा जो वेब पेज है ना, मुझे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमारी कवरेज तकरीबन 1,28,00,000 क्लाइंट हैं हमारे। तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत बड़ी एक कवरेज है। तो हम और इसको इम्प्रूव करेंगे, आप लोगों से एडवाइस लेंगे, गाइडेंस लेंगे आप लोगों से, आवाम से। और आपकी बड़ी मेहरबानी है कि सिविलियन होकर एज अ पुलिस मैन का किरदार अदा कर रहे हो, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी यही कोशिश है, हाँ थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी। और हम यही चाहते हैं कि हम आप जो है ना हमारे ही सोल्जर बन के आवाम को भी बताएं हमारी बातें और उनकी बातें हमें भी बताएं, ये बहुत जरूरी है। बड़ी मेहरबानी आप। ना बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, बात करो। हेलो शाहिद, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह करम, अल्लाह करम। सबसे पहले तो मैं आपको ताजर बरादरी पिशावर की तरफ से खराज पेश करता हूँ कि आप पहली आई की आवाज सुनने के लिए लाए हुआ था। बड़ी मेहरबानी आपकी, बस दुआ करते हैं। आपकी फादर की बेटी की पुलिस ने बेशुमार कुर्बानी दी है सर, और हमारा सर एक छोटा मसाइल बाजार में, हमारी विकित बाजार है पिशावर में, मतलब शहीद बाजार, मीना बाजार, ई बाजार, चेस जो हमारा शफी मार्केट गोरा बाजार, इसमें सर लेडीज पुलिस तैनात करने के लिए और ये किया जाए ताकि वो बाहर के लोग आते सर जिनकी खबरें तो उनके लिए वो चोर वगैरह कुतरे तो बहुत बड़ा मसला होता है सर। बड़ी मेहरबानी आप, नहीं बहुत अहम मसले की तरफ आपने मेरी तवज्जो दिलाई। हमारे पास लेडीज कम है, अभी रिक्रूटमेंट पे हम कर रहे हैं और ये जो आपने बात बताई है बड़ी अच्छी बताई है। हमारे कोशिश यही है कि लेडीज को बहुत लिया जाए, इसमें तो हम अभी जो हम कर रहे हैं नहीं, जरूर करेंगे। अच्छा हुआ आपने ये बात दिलाई, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास कम है,
अभी इंशाल्लाह हम उसकी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी ये जितनी भी जरूरियात हैं आपकी पूरी करेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। और बड़ी मेहरबानी, मैं सीसी पे साहब से सलाह मशवरा करता हूँ, ये एडवाइस आपकी अच्छी है, तो इंशाल्लाह इसको भी देखते हैं, जरूर देखेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो, 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 अस्सलाम, क्या हाल है इस्माइल साहब? ठीक है, अल्लाह कर रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा। मेरा बेटा दिया था वापसी पे होते होंगे, ठीक है। मैं 2 साल से हर डॉक्टर की चर्चा लगा रहा हूँ लेकिन मुझे इंसाफ नहीं दे रहा, ठीक है। उस वक्त जब मैं मौके पे पहुंचा तो जो ने मुझे कहा कि भाई आप इस तरह करें, आप उत्साह दें, आप इस तरह करें, अपना बेटे की लाश ले जाए, 3 दिन भाई और मेरे पास जो आपकी मर्जी होता है कैसा। जब मैं 4 दिन से शिशारी चला गया तो शिशुओं ने मिलने का मौका नहीं दिया, तकरीबन 5-6 दफा मैं उधर चला गया लेकिन शिशुओं मिलने नहीं देता। फिर सुबह सवेरे में नमाज पढ़ी और मैं वहां पे चला गया तो शिशु साहब को मेरे थाने पे पाया, मैंने उनको कहा शिशु साहब मैं कितनी दफा आया लेकिन आप मिलने का मौका नहीं देते। शिशु साहब ने ड्राइवर के ठेके काट लिए और ड्राइवर जो है उसको भगा दिया। अभी मैंने हर हफ्ते की चेकअप करे लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं स्कूल का उठा हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती है तो मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ सर के लिए मुझे इंसाफ दे रहे आखिर मेरे साथ कितनी जरूरत क्यों। बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह मैं आपका नंबर नोट हो गया है, शाम तक आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि क्या हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये नोट करते रहे भाई नवीद, ये जो इमीडिएट मसाइल है ना, वो मुझे देना, उनको भेज दो SSP और DIG को, उनको कहीं शाम बताए मुझे। हेलो, हेलो, अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। आसिफ भाई हुक्म करें। ठीक है, ठीक है। पर्चा हुआ है नहीं, पर्चा करवाया नहीं? क्या नंबर है FIR का? 929। पुलिस स्टेशन कौन सी है? पुलिस स्टेशन कौन सी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हुआ आपने बताया, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, मैं अभी कहता हूँ, अभी कहते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको जरूर। हमें बहुत उम्मीद है आपसे, आपने बहुत अच्छा काम किया,
इन्हें मैंने इसलिए किया है कि देखूं कि पुलिस के बारे में लोग क्या कहते हैं और जितना मुझसे हो सकता है ये नहीं बड़ी मेहरबानी नहीं 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 इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी थैंक यू वेरी मच थैंक यू हाजिर हाजिर बिल्कुल करते हैं थैंक यू सलाम हेलो हेलो सर असलाम सनाउल्ला क्या हाल है आपके ठीक है अल्लाह कर रहा हूँ अल्लाह कर रहा हूँ जो इनिशिएटिव लिया है लाइव लोगों से बात करें तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और उसके पीछे में जिस तरह हमने पहली दफा देखा की ये एक और है की हम डायरेक्ट आईडी से बात कर सकते हैं बड़ी मेहरबानी हुक्म करें सर इशू की तरफ आते हैं मैंने आपसे इशू ये डिस्कस कर रहा था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट सिस्टम है सर जी जी इसमें ये बहुत ज्यादा डिले रखा हुआ है लोग कमरे जो रहे सर जो आपने केपीएससी जो हमारा रिक्रूटमेंट इंस्पेक्टर तक जो रिक्रूटमेंट करते सर तो ये अगर सर मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर ये केपी पुलिस अगर ये खुद रिक्रूटमेंट कर सकती है जिस तरह आर्मी हमारे करती है रिक्रूटमेंट सर कि हर एक उसमें सेंटर बनाए जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट में और उसी तरह खुद पुलिस जो है रिक्रूटमेंट करे तो सही हमारे लिए भी आसानी होगी और इसमें आप लोग अच्छे से अच्छे बंदे को सर खुद ही रिक्रूट कर सकते हैं सर ये मेरी पुलिस के लिए सजेशन थी और मैं खुद भी परेपुर में बड़ी मेहरबानी अभी हमने पेंडेमिक के वजह से ये जो कोरोना का पेंडेमिक चला इसी वजह से 6-7 महीने इसको पेंडेंसी रही रिक्रूटमेंट में अभी रिक्रूटमेंट हमारी शुरू है ईटा के जरिए थर्ड पार्टी के जरिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी लॉ में लिखी हुई है इसी वजह से वहां से ही करवाते हैं और पब्लिक कमीशन का जो आपने बताया वो भी ये पेंडेमिक की वजह से शायद डिले हो रही थी लेकिन हम इसको अभी देख रहे हैं कि पुलिस खुद भी करे या इनसे थर्ड पार्टी से करवाई जाए तो हमें कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं लेकिन ये हम पुलिस पॉलिसी बोर्ड में आपकी सजेशन इंशाल्लाह रखेंगे कि हम खुद करें मतलब लेकिन अभी इंशाल्लाह पेंडेमिक की वजह से ये थोड़ी सी डिले हुई और हम कोशिश करेंगे ये जल्दी से हो जाए अभी जूनियर क्लर्कों की हमारे पास थी सीटें 400 के करीब जो ये पहली मरतबा हुआ है मैं आपको बताऊं कि केपी पुलिस में के बजट जो है थानों पर दिया गया है और एसएचओ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर होगा तो ये किसी भी किसी और जगह पे ये नहीं है तो उसके लिए 400 बंदे जूनियर क्लर्क गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि इनको भर्ती किया जाए जूनियर क्लर्क जो थानों पर लगेंगे और एसएचओ को असिस्ट करेंगे या एड करेंगे कि बजटरी मैटर्स हल कर सके तो हम उसकी भर्ती चल रही है और पुलिस वालों की भर्ती चल रही है पुलिस कांस्टेबल्स की भी अभी चल रही है लेकिन उसमें बहुत सी तादाद है और ये हम फाटा सेव कर रहे हैं मतलब रिक्रूटमेंट तो इंशाल्लाह कोशिश होगी लेकिन ये आपकी जो सजेशन है कि पुलिस खुद करे हम आपस में जितने भी पुलिस है के पुलिस अफसरान है बैठ के आपकी सजेशन का जायजा लेंगे बड़ी अच्छी सजेशन है और करनी भी चाहिए नहीं नहीं मैं जरूर ये पॉलिसी बोर्ड में रखूंगा ये चीज उसके मतलब क्योंकि पहले पुलिस एक्ट में ये लिखा हुआ था थर्ड पार्टी करेगी तो इसी वजह से हम लीगली कंस्ट्रेंट थे लेकिन ये आपकी जो सजेशन आई है आवाम की तरफ से इंशाल्लाह पुलिस पॉलिसी बोर्ड में ये रखकर और गवर्नमेंट से सलाह मशवरे के बाद ये कानून पास करवाएंगे इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच थैंक यू
हेलो सर, मंसूर डिस्ट्रिक्ट से दिस इज जावेद। हेलो, अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है, आप बताएं कोई मसला। जी जी, मैं बोल रहा हूँ, आईजी बोल रहा हूँ, सुनाओ पास। अच्छा। सर बात ये है कि मैं बुरा जी 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 ठीक है, जरूर करूंगा मैं। अभी डीआईजी से बात करता हूँ, आपका नंबर भी आ गया है। एफआईआर नंबर क्या है? एफआईआर नंबर और थाना थाना कौन सा है? खुल्ला। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, मेहरबानी आपकी, मैं करता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं अभी डीआईजी से बात करता हूँ, ये जैसे ये कॉन्फ्रेंस खत्म होती है उसके बाद डीआईजी से बात करता हूँ, इंशाल्लाह मुल्ज़िम को गिरफ्तार करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये भाई लिख लेना, ये तो हेलो हेलो अस्सलाम अकबर, क्या हाल है? ठीक है जी, बिल्कुल ना शुक्र सर। मैं जिस लोअर मैदान से अकबर खान बात कर रहा हूँ। हुक्म करें। हमारा केस ये था, ये था ना ऊंच के उधर से हमारे बहन जी गई थी तो वापसी के रात 9 बजे आ रही थी तो उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग बंद हो गई। ये 3 महीने की पहले की बात है, तो उसमें हमारे 4 बंदे शहीद हो गए और 3 जख्मी हो गए। अभी तक 3 महीने हो गए, पुलिस ने कोई आउटपुट हमें नहीं दिया, तो अगर आप लोग इससे थोड़ा सा हमारे हेल्प करें तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ी मेहरबानी। एफआईआर नंबर क्या है आपके पास? मोबाइल नंबर सर। एफआईआर नंबर सर ये तो मुझे अभी जुबान याद नहीं है, मैं वैसे अभी मैं लाइव चल रहा था तो मेरे प्रोग्राम का। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी। एफआईआर आपका टेलीफोन नंबर आ गया है, मैं कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, एफआईआर नंबर भी दे देना और इंशाल्लाह करते हैं। सर आप मेरे नंबर नोट करें और जो हमारा जो व्यूअर साहब है इसको आप अगर दोबारा नोटिस में लाया जाए तो ये बेहतर होगी, क्योंकि 3 महीने हो गए और हम शरीफ लोग हैं, मतलब हमें कोई लड़ाई वगैरह इस तरह की कोई चीज है नहीं, तो अकबर साहब मैं करता हूँ, मतलब वो उसके हमारा बेटा और इसकी जो है ना वाइफ और जो बेटी शहीद हो गई थे हमारे साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है सर। नहीं नहीं, मैं अभी करता हूँ, कोई बंदा कांटेक्ट करेगा आपसे, मैं खुद भी करूंगा इंशाल्लाह डीपीओ से। मैं जैसे ये डाक खत्म होती है मैं उनसे बात करूंगा, डीपीओ और डीआईजी से इंशाल्लाह। थैंक
हेलो डिस्ट्रिक्ट पेशावर टोन से यासर बात करना चाहते हैं। हम बात करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम यासर, क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? हुक्म करें। जी शुक्रिया सर, मैं शाहिद टाउन पेशावर से, मेरा ताल्लुक है थाना वाकों के साथ, हमारा इलाका लगता है और सर तकरीबन 40 साल से हम परदेश में रह रहे हैं, जिसकी सर 5-10 पे भी मैंने कम्प्लेन किया है सर, इधर थानों में भी है, डीएसपी के पास भी है। हमारे सर कुछ ऐसा मसला हुआ है सर, वो लोग यानी मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए पाकिस्तान लेके आया हूँ, 8 लाख रुपए मैंने अपना देश भी छोड़ा है, मैं पाकिस्तान आई हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन कुछ लोग है सर वो कुछ कभी नौसरबाज लेके आते, कभी बदमाश लेके आते सर, मेरे को मेरी जिंदगी लोगों ने जीरन कर दी है सर। आप इस टाइम कुछ अगर इस पे कुछ हो सकता है तो वो आगे जो है वो मदान से ताल्लुक है उसका मुहिम बांटना, और ऑलरेडी मैंने सर 5 दिन पे भी सर कंप्लेन की हुई है और अचानक ने मेरे को बताया, मैं गया उधर सब कुछ मैंने रख दिया कि भैया आदमी को बताओ मेरे को क्यों तंग कर रहा है। नहीं नहीं हम ओवरसीज का बड़ा ख्याल करते हैं, हमने अलहदा डेस्क बनाई हुई है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आपका नंबर भी नोट हो गया है, मैं अभी पर्सनली इसको देखते हैं। हम ओवरसीज के लिए हम बहुत ही यहाँ पे, क्योंकि ओवरसीज की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट में। मैंने 10 करोड़ रुपए लेके आयो, लेकिन हमारे गांव के कुछ नौसरबाज कुछ बदमाश हो गया, हेरा घेरा आके रात को दरवाजा मारते हैं, पता नहीं मेरे बहुत मेरे को सर इन लोगों ने परेशान किए हुए हैं सर। नहीं नहीं इंशाल्लाह आपको प्रोटेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। अगर उसका मेरे साथ मत बनता है तो मैं उसको पहले भी शिकायत किया है, अभी मैं देने के लिए तैयार हूँ उसको, एक चेक में भेजूंगा, दे सकते सर 15-20 लाख रुपए के लिए मैं गलत काम नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत कुछ दे दिए हुए बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजार रहे, लेकिन ये लोग मेरे को जिंदगी गुजारने नहीं दे रहे सर। नहीं आपका नंबर नोट हो गया है, इंशाल्लाह आपसे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट करेगा और इंशाल्लाह करते हैं, क्योंकि हम बड़ा ओवरसीज का बड़ा ख्याल करते हैं सर। हमने बहुत लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इस बंदे के साथ भी हमने सिर्फ हेल्प किया हुआ था सर, ये हेल्प की वजह से आज हम आपको जेल तंग कर रहे हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह करते हैं, कोऑर्डिनेट करेगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। हेलो अस्सलाम शहजाद साहब, क्या हाल है? ठीक है हुक्म करें, हुक्म करें। जी सर, मेरे वाली साहब जो थे आप साहिबान के साथ वो पुलिस में बतौर एसआईयू की सरंजाम दे रहे थे सर, और अचानक वो फोन हो गए सर, में इसका प्रोग्राम थाने में जो थे वो राजेश्वर एच जो थे सर, सर आपसे आप साहिबान से आजाना आ रही है कि हम आप शांगला से ताल्लुक रखते हुए और मैं जो था मैंने आज डिजिटल में अटेंड किया है और मैं फिजिकली ट्रीट बराबर हूँ, लेकिन सर उन्होंने मुझे जूनियर में डाला था, लेकिन जूनियर तक में मैंने टेस्ट फेल किया है सर, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट थी, हम अगर रिक्वेस्ट थी क्या हमें कांस्टेबल में रिक्रूट करें तो आपकी मेहरबानी होगी सर। बड़ी मेहरबानी। आज आपका मेरे पास शांगला से है, कहाँ से बताया आपने? हाँ बिल्कुल, आज आपका मिनिस्टर भी आया था मेरे पास है इसी में कि बहुत लोगों ने पास किया है और वैकेंसी हमारे पास कम है, हमारे पास वैकेंसी आए इसकी जूनियर क्लर्कों की 7 हैं 8 है मेरे ख्याल से और कांस्टेबलों की 6 हैं, ये तो वैकेंसियों पर करेगा, तो मैं इसको देख रहा हूँ इंशाल्लाह के, क्योंकि पास बहुत लोग हुए हैं ना। आपको पता है बहुत महंगाई है सर, तो आपसे एक ही चीज याद रिक्वेस्ट की मैंने सिर्फ डिजिटल में क्वालिफाई किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट की क्या आप मुझे मेरे जो शंगला का डिग्री है रिक्शा सर को बताए कि वो मुझे ठीक
ठीक है इंशाल्लाह मैं उसे बात करता हूँ, देखते हैं मेरिट लिस्ट देखते हैं और वो जो आप बता रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, मैं देख रहा हूँ ये जो आपने बात की ना कि आपके मुबारक हो, पहले तो ईटा आपने क्वालिफाई किया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इंशाल्लाह। मैं अभी आज ही बात कर लेता हूँ SSP से और इंशाल्लाह कल आपको वो तकलीफ देगा, उनसे मिल लेना इंशाल्लाह जरूर, या आपको कॉल कर लेगा इसी नंबर पे इंशाल्लाह, आपको मसला हल करते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, हमारी वो पूरी काम करे अगर कोई गलती हो माफ करें। नहीं, बड़ी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, मरवत से शादाब बात करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मोहम्मद सदाब बात कर रहा हूँ जी, लकी मरवत से। हाँ सदाब, बात बताएं, हुक्म करें। सर जी, पहले तो अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों ने हमारा हमें टाइम दिया सर। दूसरी बात ये है कि सर मेरे मेन सिटी रोड पर सुपर मिल के सामने घर है सर। जी जी, जिसके सामने रेलवे प्लाट है, हम इस प्लाट वगैरह पे रहते हैं, हमारा घर भी इधर ही है सर। कुछ लोग हैं हमारे घरों के पीछे पल्लम से आते हैं, हमें तंग करते हैं, वेपन वगैरह पे दिए, सरकारी जमीन हमारी है, हालांकि जी ये अभी भी रेलवे की जमीन है और हमारा महाज है जी, हमारे घर से हम सब की एजुकेटेड है, हमारे एजुकेशन से ताल्लुक है, हम खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। बार बार हम सारे में जाते हैं, दरख्वास्त भी दिए डीपीओ के सरानी साहब ने भी वो किया, लेकिन वो जब उसको पकड़ लेते हैं एक घंटा आध में उसके लिए सफारत आ जाती है और खोल देते हैं। अभी सर हम या तो ये करेंगे कि वेपन उठाएंगे या तो एजुकेशन को जारी करेंगे। हम जी सारे जी जो जितने भी हमारा फैमिली एजुकेटेड फैमिली है, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ सर, मेरे भाई भी जी, मेरे अंकल वगैरह एजुकेशन, मेरी वाइफ भी एजुकेशन में सर, हम तो बहुत तंग है। वो लोग आ जाते हैं वेपन यहाँ पर घुमाते हैं, हमें धमकाते भी है और फिर वापस चले जाते हैं। सर ये रिक्वेस्ट है कि आप पहली डीपीओ साहब को या DSP साहब को आप ये वो कर लें, नहीं नहीं बड़ी मेहरबानी, मैं अभी कहता हूँ उनको आपका, इंशाल्लाह आप एजुकेटेड फैमिली हैं, अच्छे लोग हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसे बात करता हूँ। नहीं 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 बिल्कुल नहीं 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 नहीं, मैं अभी बात करता हूँ उनसे, SSP से और DIG से। हाजिर, आपका नंबर नोट हो गया है, अभी करता हूँ मैं बात। हाजिर, नहीं नहीं बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, हेलो, अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है जी जी, आखुन जवा हुकुम करें। जी 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 जी, हुकुम करें हुकुम। कलन उत्तर जी ने जलसा निकाला, मैंने बर्बाद सबके DAP को
ना आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं वैसे थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं अभी तो ये चेक कर रहा हूँ बात जो आप बता रहे हो, लेकिन आपको बताऊं नहीं ठीक है, आप मंडे या ट्यूसडे को आ जाए, मैं अपने पीएसओ को कहता हूँ कि आपको टाइम दे दे, नंबर आपका नोट हो गया है। लेकिन आप लोगों के तीन आदमी शहीद हो गए थे जिनके मुलजिम गिरफ्तार हुए, ब्लाइंड केसेस थे क्वार्ट में। चलो मंडे या ट्यूसडे को मेरा कोऑर्डिनेट कर लेगा पीएसओ, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, आपसे सजेशन लेते हैं। हुक्म नहीं, मैं इसको देख रहा हूँ, ये जो नहीं मैं नहीं, मैं इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, ये सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आई विल गिव यू अ फुल हियरिंग इंशाल्लाह। मंडे या ट्यूसडे को मिलते हैं, देखते हैं कि क्या है, जो भी होगा फिर उसी मुताबिक फैसला होगा। थैंक यू। हेलो, हम बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल खैर है सर। जी जी, हुक्म करें हुक्म करें हुक्म। जी 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 हुक्म करें। जी जी मैंने बड़ी मेहरबानी, आपको मैं नंबर दे देता हूँ, वैसे सारों के लिए है ये प्रोग्राम, इंटरनेशनली भी चल रहा है, फेसबुक पर लाइव हो रहा है, तो ये मैं एक नंबर दे रहा हूँ सारों को, ये मुझे टेक्स्ट कर देना उसी पर ही, 0300-217-3444, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो काइंडली इस पर टेक्स्ट कर दें, मैं आई विल लुक इन टू इट और DPO से मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह, आई विल इंश्योर जस्टिस। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो भी सुन रहे हैं आपकी वसाखत से, वो 217-217-3444
444 444। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो भी आप भेजना चाहते हैं इस पर भेज दें काइंडली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।